बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज अच्छावाद विषय, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की किताबों का आखिरी चैप्टर है, आखिरी यूनिट है, अध्याय 9, भारतीय राजनीति के नए बदलाव। यह आखिरी आखिरी अध्याय है राजनीति विज्ञान का, भारतीय राजनीति के नए बदलाव। तो हम अब देखते हैं कि सन 1990 का दशक, 1990, तो सन 1980 के आखिर के सालों में देश में कुछ बदलाव आए, जो कि कितने थे, संख्या में 5 बदलाव थे, कुछ परिवर्तन हुए जो 5 थे। अब वह कौन कौन सी परिवर्तन थे, ये हम देखते हैं, जिन्होंने कि राजनीति पर बहुत अधिक उसका असर पड़ा। जो परिवर्तन आए थे उनका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सन 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और राजीव गांधी को इन चुनावों की अगुवाई राजीव गांधी ने इन चुनावों की अगुवाई करी और कांग्रेस को इन चुनावों में बहुत बहुमत मिला और उनकी बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए इसके बाद ही इसमें राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए और जो परिवर्तन बदलाव हुए 5 थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो पहला बदलाव था कि इस दौर की महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार है, जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीट ही जीत पाई। क्या उसने, जब कांग्रेस का चुनाव हुआ था 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तो कांग्रेस पार्टी ने लगभग 415 सीटें जीती थी और उसके बाद जब चुनाव हुए तब क्या हुआ था कि कांग्रेस ने सिर्फ 197 सीटें ही जीती थी। फिर 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए और फिर कांग्रेस ने विजय हासिल करी और कांग्रेस सत्ता में आई थी। एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए, कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा बढ़ा और सुधारते हुए वह सत्ता में आई। 1989 में इस घटना की समाप्ति हो गई। 1989 में यह परिघटना की समाप्त हो गया, जिसे राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और सन 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी की बजाय कांग्रेस पार्टी का शासन ही रहा और ज्यादा दिनों तक ही शासन इसका रहा। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसी अब नहीं रही। क्या बहुत से दल बन गए थे छोटे छोटे, तो कांग्रेस का जो था वह प्रभाव कम होता गया था। अब है इसका दूसरा, अभी अपन ने इसका पहले परिवर्तन या प्रभाव देखा, दूसरा दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था, जो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए।
पर सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक क्या होने लगे थे, प्रदर्शन होने लगे थे। क्यों? क्योंकि यह सिफारिश 1990 में थी, आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात से देश में दंगे और हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे कि अन्य पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण और समर्थन और विरोधियों के बीच चल रहे विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाने लगा था। इसने 1989 के बाद भी राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी। किसने अहम भूमिका निभाई थी? आरक्षण के मुद्दे ने, क्योंकि इसमें अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया था कि केंद्र सरकार इनको नौकरियों में विशेष स्थान था, आरक्षण दिया गया था। अब इसके आगे का देखते हैं, तीसरा बदलाव क्या था। तो इसका तीसरा बदलाव कि विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी, जैसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता था। क्या था कि सरकारों ने इस दौर में क्या किया था, सरकारों ने इस दौर में कुछ आर्थिक नई आर्थिक नीतियां अपनाई जो बुनियादी तौर पर क्या थी, बदल चुकी थी, लोगों की आवश्यकताएं बदलने लगी थी, परिवर्तन आने लगे थे। और इससे जो ढांचा बनाया गया था, जो आर्थिक नीतियों का ढांचा बनाया गया था, जो समायोजन का ढांचा, जो कार्यक्रम बनाया गया था, नए आर्थिक सुधार के नाम से वो जाना जाता था। इसमें शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी सन 1991 तक। कब? सन 1991 तक। ये जो बदलाव थे बड़े पैमाने पर प्रकट हुए और आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दशा में चलती आई है वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण जो मूलगामी अर्थों में बदल गई थी। नई आर्थिक नीतियों के विभिन्न आंदोलन और संगठनों की तरफ से इसको क्या बहुत आलोचनाएं मिली। और इस अवधि में जितनी भी सरकारें आई, जितने भी दल सत्ता में आए, सबसे नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। यह नीति बनाने के बाद जितनी भी सत्ता में सरकारें आई उन्होंने इसको लागू किया और इस पर अमल बनाए रखा। अब है चौथा बदलाव या चौथा परिवर्तन क्या था कि घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे जो बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध को गिराने के विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना 1992 दिसंबर में हुई थी। अयोध्या राम मंदिर का विवाद, बाबरी मस्जिद का विवाद, यह सब कब हुआ था? सन 1992 दिसंबर तक अयोध्या विवाद और राम जन्मभूमि का विवादित था। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी और इस घटना ने कौन से अयोध्या और बाबरी मस्जिद के रूप में जो घटना थी, राजनीति ने में कई परिवर्तनों को जन्म दिया। देश की राजनीति में बहुत अधिक परिवर्तन हुए। उनका प्रतीक बनी इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहुत बहस होने लगी। क्योंकि क्यों धर्मनिरपेक्षता शब्द आया यहाँ पर?
हमारे भारतीय संविधान की क्योंकि भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। इसलिए अयोध्या में जो राम मंदिर था वह हिंदुओं से संबंधित और बाबरी मस्जिद जो थी वो मुस्लिम वर्ग से संबंधित थी, इसलिए यहाँ पर यह धर्मनिरपेक्षता लोगों में बहस होने लगी। और इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। ये जो बदलाव आए हैं यह भारतीय जनता पार्टी का उदय हो चुका था और हिंदुवादी राजनीति से इसको जोड़ा जाने लगा। फिर जो पांचवा बदलाव या परिवर्तन है वह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन बहुत सारे हुए थे। क्या हुआ था, 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व था अभी तक राजीव गांधी के हाथों में था, राजीव गांधी उसकी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाले हुए थे, तो उसमें उनकी हत्या के बाद कुछ परिवर्तन आए। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे तभी लिट्टे से जुड़े जो श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक लड़की ने ऐसे कमर में बम का एक बेल्ट बांधा और राजीव गांधी को हार पहनाने गई, वहीं पर उनका बम विस्फोट हो गया और राजीव गांधी की वहां पर हत्या हो गई। जो सन 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजय पार्टी के रूप में सामने आई थी, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। अभी हमने ये राजनीति के पांच बदलाव देखे, अब देखते हैं कि गठबंधन का युग। तो गठबंधन का युग 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया और परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह, कौन कौन से दो राजनीतिक समूह बन गए थे, भाजपा और वाम मोर्चा, ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने अपनी शिरकत नहीं की थी। कांग्रेस की हार हुई और उसने विपक्ष में बैठने को कांग्रेस तैयार हुई, उसने जब विपक्ष में बैठने का फैसला लिया तब राष्ट्रीय मोर्चे को, यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था जो परस्पर दो विरुद्ध राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे का बना था, और यही कांग्रेस के पतन का भी कारण है। कांग्रेस की हार के साथ साथ भारत की दलीय व्यवस्था से इसका दबदबा खत्म हो गया था और ये हम आगे पढ़ चुके हैं। सन 1960 के अंतिम सालों में कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। जो 90 के दशक तक कांग्रेस हमेशा अग्रणी पार्टी के रूप में रही, और इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। तो सन 1989 के बाद से लोकसभा चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं था। इस बदलाव के साथ कांग्रेस में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
गठबंधन के गठबंधन सरकार से क्या लाभ है? तो देखते हैं कि गठबंधन सरकार के लाभ, पहला क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने से क्षेत्रीय मुद्दों का पूरा ध्यान दिया जाता है। फिर है दूसरा, छोटे छोटे दलों की बात पर भी सक्रिय विचार किया जाता था, क्योंकि गठबंधन दो दल, तीन दल, चार दल जो मिलकर, विभिन्न दल मिलकर एक बंधन में बंध जाते थे, मिलकर एक साथ कार्य करते थे। छोटे छोटे दल मिलकर एक बड़ा गठबंधन, बड़ा दल बना लेते थे, जिनका कार्य करने का तरीका एक सा था, जो मिलकर कार्य करते थे, जिससे क्या छोटे दलों का प्रभाव बढ़ने लगे थे और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल मुद्दे थे उनको, उन पर भी पहले जो ध्यान नहीं दिया जाता था उन पर ध्यान दिया जाने लगा। फिर है छोटे छोटे दलों की बात पर भी सक्रिय विचार किया। गठबंधन संघवाद के अनुरूप है, क्योंकि क्षेत्रीय दल कांग्रेस सरकार पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। इसे लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रयास माना जा सकता है। अब है कि गठबंधन सरकार के दोष, तो कहीं गठबंधन सरकार से लाभ है तो कहीं इनके कुछ दोष भी हैं। तो हम चलिए दोष पढ़ते हैं कि कौन कौन से दोष हैं गठबंधन सरकार के, दोष जो निम्नानुसार हैं। पहले, दलों के बीच आपसी सामंजस्य न होने की स्थिति में अस्थिरता का वातावरण बनता था। तो दल थे जिन्होंने मिलकर एक मजबूत दल बनाया था, वह अपनी बातों, अपनी समस्याओं को लेकर दबाव बनाते थे कि अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो हम आपके गठबंधन हम तोड़ देंगे, हम आपके दल से हट के दूसरे दल में मिल जाएंगे। तो दलों के बीच आपसी सामंजस्य न होने की स्थिति से अस्थिरता का वातावरण बनने लगा। फिर प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति बनी है, मुखिया कौन होते, प्रधानमंत्री वह सबको बांधे रखता था, तो उनकी स्थिति कि वो किसकी तरफ बोले। फिर है निर्णय लेने में विलंब और कठोर निर्णय लेने में कठिनाई होती थी, क्योंकि सभी को खुश रखना है तभी समूह में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत विभिन्न दल थे, तो सभी दलों को खुश रखते हुए, सभी दलों के कार्य करते हुए, सभी को महत्व देते हुए कार्य करना और निर्णय लेने में विलंब तो होना निश्चित है, और इससे किसी के विरुद्ध कठोर अगर निर्णय लेना पड़े तो उसमें भी कठिनाई होती थी। अगर कठोर निर्णय लेंगे तो वह गुस्सा हो जाएगा, वह रूठ जाएगा। फिर दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है, क्यों? अभी हमने पढ़ा लिए कठोर निर्णय, यदि किसी के प्रति कठोर निर्णय ले लिया तो वह भाई हम आपका दल छोड़ देंगे, हम दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जिन्होंने हमको आज समर्थन दिया, हम बहुमत में आ गए, तो वहां पर उनका बहुमत कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने जो दूसरा पॉइंट लिखा कि प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति, तो वह सभी के सहयोग से वो प्रधानमंत्री बने थे, अगर किसी दल ने अपना सहयोग वापस ले लिया तो वहां पर उनका जो पावर है, जो सत्ता है, जो अधिकार है, वो उनको अपनी स्थिति वहां पर कमजोर लगी। फिर क्षेत्रीय दलों की अनुचित मांगों भी मानना पड़ती थी कि जो दल शामिल होते हैं क्षेत्रीय, जो छोटे छोटे दल हैं, उनकी कुछ अनुचित मांगे भी रहती थी जो कि मानना पड़ती थी। अपना गठबंधन सरकार बनाने के लिए कुछ अनुचित मांगों पर भी विचार किया जाता था। तो बच्चों, आज यहाँ पर यह समाप्त होता है। आपकी किताब में भी एक बहुत अच्छे से दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे बच्चों को। किस बात, आप घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं। तो आप घर पर सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कर